सिंधे साहब जब खुद कार्यकर्ता थे तो उन्होंने मतलब 11-12 बार तोड़े हैं और अपने पे केसेस लिए, तो इस बार वो मुख्यमंत्री है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो मुख्यमंत्री बन गए तो उनको अभी किसने रोका? वो जो बोलेंगे दिन तो दिन, बोले रात तो रात। मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बार नहीं करते सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन। राष्ट्रीय भीमसेना भीम आर्मी सर सेनापति आरआर पांडियन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर दी चेतावनी। देखो, जहां तक आपने सुना होगा, जो शिंदे सरकार है, शिंदे साहब जब खुद कार्यकर्ता थे तो उन्होंने मतलब 11-12 बार तोड़े हैं और अपने पे केसेस लिए। नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया है, रायगढ़ पुलिस कमिश्नर को दिया है, थाना ग्रामीण थाना शहर को दिया है, पुणे को दिया है और रायगढ़ को भी दिया है। जितने भी मतलब जो जिले जहाँ पर बार चालू है, बार के नाम पर डिस्को बार जो नया आया पब, यहाँ पर मतलब वैश्यावधि खुलेआम चलती है, वो सबके लिए मतलब मैंने मतलब के जो भी लेटर जो तो पूरा पका था, 9 पेज का लेटर मैंने उनको पूरा विस्तार में बताया कि क्या क्या मतलब होता है विस्तार में, साथ में कुछ एविडेंस भी लगाए तो उनको मैंने दिया है। तब उनका प्रशासन का काम है उस पर अंकुश लगाया और ये जो चीज होने वाली है 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक का उस पर अंकुश लगा। पांडियन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर नवी मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बारों पर प्रशासन और पुलिस लगाम नहीं लगाएगी तो उनके पार्टी के भीम सैनिक अपने तरीके से ऑर्केस्ट्रा बारों को सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन कराएंगे। आपने देखा होगा पिछले बार अपन ने मतलब बड़े मतलब अच्छे लेवल पे मुद्दा उठाया था, जो सिस्टम भी इसमें अपने मतलब घबरा रही थी, पुलिस व्यवस्था भी इसमें मतलब अपने घबरा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि पुलिस और एक बार का जो नेक्सेस है वो इतना मजबूत है और एक 1 अरब रुपए का इसमें कारोबार होता है इसके अंदर, और बहुत बड़ा जो रकम है वो जो पुलिस व्यवस्था या जो मैनेजमेंट है उनको जाता है, मतलब हफ्ते के नाम पे जाता है तो कहीं ना कहीं रुक जाता, तो इसकी वजह से उसका उन्होंने पुलिस व्यवस्था ने मतलब जो पुलिस नेक्सेस और बार का नेक्सेस का मैं शिकार हुआ। आपने देखा कि मुझे 8 महीना मुझे डाला अंदर झूठे केस में, जो केस का मतलब कि जो मतलब मेरे समाज ट्रस्ट से जुड़ा था उसमें उन्होंने झूठा कुछ कंप्लेंट जमा किए, जो कंप्लेंट का मतलब रूल के हिसाब से मतलब उनका मतलब कि ना लेना था ना देना था, ये सब हमने कोर्ट के सामने दिखाया। पहला इन्होंने हमको बेल होने नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से कैसे ऐसा करते। उस पीरियड में क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा पिटीशन था, सुप्रीम कोर्ट जो टू थी, वो पिटीशन को मतलब हमको ऐसा हुआ कि मैं पिटिशनर जा नहीं पाया तो उसको जज ने उसको प्रोलॉन्ग करके बाजू में कर दिया, और उसका उनको फ़ायदा मिला कि उनका जो अप्रैल में जो रिन्यू होता था रिन्यूअल हो गया और उन लोग फिर से काम पे लग गए, और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को इतना आर्थिक इतना नुकसान पहुंचाया कि मतलब मैं खड़ा नहीं हो सकूं। फिर भी देखो आप लोग का सब साथ है और ये जो लड़ाई है हम फिर से लड़ेंगे और लड़ाई चालू रखेंगे, और इस बार वापस जैसे गए हमने दिसंबर में हमने जो मुद्दा उठाया था डांस बार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चलना चाहिए, तो ये लड़ाई फिर से जारी रखते हैं। अभी पूरी ताकत से इस बार मैं पूरे कार्यकर्ता अपने पूरे महाराष्ट्र के जो तमाम कार्यकर्ता वो सबको इन्वॉल्व किया हूँ और दिसंबर के लिए खास करके मुंबई सबको बुलाया हूँ। 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक जो मतलब ये जो न्यू ईयर के नाम पे 31 के नाम पे जो बहुत बड़ा मतलब जो पैसे का ब्लैक पैसे का उलाढ़ाल होता है, जो पैसे फेंके जाते हैं और नशा पानी का ही काम होता है और जो लड़कियों का शोषण होता है, इसको रोकने के लिए उसको अंकुश लगाने के लिए हमने हमारी जो टीम है भीमसेना की महिला टीम है और जो कार्यकर्ता है उनको सबको हमने पूरे बम्बई पनवेल और ये जो इलाके सब बांट के दिए कि यहाँ पर अगर ये सब काम होता रहेगा तो उसने अंदर घुस के उस चीज़ को रोकने की कोशिश करे, कायदा सुरक्षा का जो प्रश्न होगा उसकी जवाबदारी पूरी पुलिस व्यवस्था की रहेगी। देखो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हमने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा कंटेम्प पिटीशन चालू है, अभी उसका डेट है 7 जनवरी का डेट है सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प पिटीशन डाला, और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है मुंबई पुलिस या जो भी जितने भी जिले की पुलिस है फॉलो नहीं कर रही है सबको पता है, तो मैं चाहता हूँ जितने जो नए कमिश्नर नई मुंबई के आए हैं और जितने भी कमिश्नर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हुआ है वो 685 कुछ नंबर है उसको मिलता था उनको चाहिए तो मैंने उनको ऑलरेडी लेटर में दिया है, वो ऑर्डर कॉपी निकाले ऑनलाइन मिलता है, उस पर जो गाइडलाइंस दिए उस पर चलाने की कोशिश करें, अगर वो चलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो चलाने नहीं मतलब जो उनको तैयारी करनी चाहिए नहीं करेंगे तो हम लोग उनको करने मजबूर कर देंगे। देखो जहाँ तक आपने सुना होगा जो शिंदे सरकार है, शिंदे साहब जब खुद कार्यकर्ता थे तो उन्होंने मतलब 11-12 बार तोड़े हैं और अपने पे केसेस लिए, तो इस बार वो मुख्यमंत्री है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो मुख्यमंत्री बन गए तो उनको अभी किसने रोका? वो जो बोलेंगे दिन तो दिन, बोले रात तो रात, तो फिर वो अभी उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है बियर बार, क्यों नहीं मराठी मानुस की इज्जत दिखाई दे रही है ना, मराठी जो मतलब जो चल रहा है मराठी मानुस का पैसा जो उड़ल जा रहा हो रहा है,
और गलत जो तरीका जो पूरा मतलब पूरे कुछ कुछ जिले को तो उन्होंने चकला बना दिया है। तो अभी जो सिंधे सरकार कहाँ सो रही है, क्यों जा क्यों नहीं रही है, क्योंकि उनको मालूम है अभी इनसे बहुत बड़ा रेवेन्यू जो उनको आ रहा है। तो जो पैसा पैसे का खेल है, जो पैसा मिल रहा है इसके लिए वो भी छुप है, उनको भी अपना जो भूतकाल नजर नहीं आ रहा, भूतकाल के बारे में सोच नहीं रही। भूतकाल में उन्होंने इसके लिए केसेस लिए, बाला साहब के टाइम में इन्होंने अपने केसेस लिए, बाला साहब भी नहीं रहे और उनका जो विचार करने का तरीका, जो उनके थाना जो जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर तो आजू बाजू में लाइन से पूरे बाहर है बहुत सारे, जो धड़ल्ले से रात भर चलते हैं। और मुझे तो लगता है उनका आशीर्वाद भी हो सकता है उनके साथ। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर और नई मुंबई जो छोटे छोटे जिले हैं, ये जो वेश्यावृत्ति पूरी तरह से ख़त्म हो, क्योंकि इसकी वेश्यावृत्ति की वजह से छोटी छोटी लड़कियाँ, दलित पीड़ित जो लड़कियाँ हैं, जो छोटी बहुत गरीब घर से होती है, आपने देखा होगा मतलब कि MP में शिवपुरी जैसी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ बिकती है 15,000, 20,000, 30,000, गरीब माँ बाप अपनी लड़कियाँ बेचते हैं, उनको कुछ माफिया उठाते हैं, उनको खिलाते पिलाते कुछ इंजेक्शन देते जिससे वो लड़कियाँ बड़ी हो जाती है। उस तरह का जो लड़कियों पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो उनका छल होता है गरीब लोग का, तो ये मुझे उसको रोकना है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अच्छा गाइडलाइंस दिया है, मैं चाहता हूँ जितने भी बार है चला है उनको देश को सरकार को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया उस गाइडलाइंस पे उस मापदंड में ही चले। नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं है, जो मापदंड दिया है वो उचित दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है चाहे जो लड़कियाँ हैं जो पहले के जो बार बाला है जो पहले के, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि उनको मतलब रिहैबिलिट करे, उनको पेंशन चालू करे या रिहैबिलिट करे, वो सब कुछ भी काम नहीं हुआ। बल्कि जो उनको जो ऑर्केस्ट्रा बार जहाँ पर मतलब परफॉर्मेंस होगा, लड़कियाँ गाना गाएगी, इंस्ट्रूमेंट बजेगा, जो लाइव परफॉर्मेंस होगा, वो भी 11:30 तक का कुछ टाइम है और 1:30 बजे तक खाने पीने का टाइम है, वो परमिट रूम अलग होगा, बहुत सारे नियम अच्छे नियम दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस सबका मतलब वो सब महाराष्ट्र में तो उसका पालन हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। और वो जो जूना जो डांस बार था ना, वही लेवल से डांस बार का ही काम चल रहा है। देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं जितने भी कमिश्नर्स हैं, नहीं मुंबई के जितने भी कमिश्नर्स हैं, उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि मुंबई को और जो जिले को चकला बनाने से रोके, जो गलत काम हो रहा है, औरतों पर छल हो रहा है, ये सब हो रहा है, उनको रोके। जो पैसे की उलाढ़ाल हो रही है, ब्लैक मनी का ये हो रहा है, नशे का कारोबार हो रहा है, नकली शराब का कारोबार हो रहा है, उन सब पे अंकुश लगाए। और ये पर प्रांतीय लोग, कर्नाटक वाले लोग हैं, कुछ कर्नाटक के विशिष्ट जाति के लोग हैं, वो शेट्टी सालियन पुजारी ये सब जाते, ये सब के लोगों को मतलब इन्होंने मतलब कि मुंबई को पूरी तरह से मतलब चकला बनाने के चक्कर में, तो चकला बन को अंकुश लगाने का काम हमारा है और हम करेंगे। और आप पुलिस से भी उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ को अंकुश लगाए। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल GEB News, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।